फिर सप्तमी पूजा के अगले दिन मॉर्निंग में भी एक दूसरा पूजा होता है। सप्तमी पूजा तो घर में होता है, बाकी जो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पूजा होता है वो बाहर मंदिर में ले जाकर चढ़ाते हैं। तो आटा और गुड़ और उसमें थोड़ी सी इलायची और लौंग वगैरह डाल के गुलगुले बनते हैं और पूड़ियाँ बनती है और ये चढ़ाया जाता है बाहर। तो आज ही मुझे जाना है मायके, तो मॉर्निंग में जल्दी जल्दी मैं कर रही थी, मम्मी कह रही थी कि पूजा करवा के जाना, तो भाई आ चुका है, कल ही आ गया था, जल्दी जल्दी मैं कर रही थी, जैसे पूजा वगैरह ख़त्म होगा उसके बाद फिर जाऊँगी मैं। तो ये बना रही थी मैं गुलगुले, ये गुलगुले और पूड़ी मम्मी जाएंगी चढ़ाने के लिए मंदिर में। गुलगुले बनने के बाद ऐसे दिखते हैं, बिल्कुल रेड रेड से हो जाते हैं, उसके बाद निकालते हैं। तो ऑलमोस्ट सारे बना ली हूँ, उसके बाद मैं पूड़ियाँ तलूँगी। यहाँ पे मम्मी कर रही थी पूजा, पहले यहाँ पे चढ़ाएंगी उसके बाद जाएंगी मंदिर में। तो यहाँ पे सब भगवान लोगों को चढ़ा रही थी मम्मी, प्रसाद वगैरह जो भी बनाया था वो सब चढ़ा रही थी, पूरी और गुलगुले देख। भाभी ने पैकिंग कर लिया है प्यारा को छोड़ के, नहीं प्यारा छोड़ के जाएंगी। अब ये निकालते हैं वापस आने के लिए। हाँ जा रही है।
गाइज़ यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ मायके, और अमन से मज़े ले रही थी मैं। दीदी का जो सबसे बड़ा वाला लड़का है वो एक्चुअली वो बोलता नहीं है। तो गाइज़ ब्लॉग को मैं कर रही हूँ यहीं पे एंड, और मैं पहुँच चुकी हूँ मायके में। मायके में मैं आ गई हूँ, आज है 6 तारीख और कल मैं 5 को ही आ गई थी। तो कल शाम को मतलब मेरा ऐसा होता है कि कहीं आने जाने से ना वोमिटिंग होती है, तो बहुत दिक्कत होती है। आना जाना मुझे ऐसा लगता है कितना भारी है। आती हूँ तब भी सोचती हूँ कैसे पहुँचूँगी, जाती हूँ तब भी सोचती हूँ कैसे पहुँचूँगी। तो फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ। शाम को मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं ब्लॉग का एंड करूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत था, इसलिए अब मैं मॉर्निंग में कर रही हूँ ब्लॉग का एंड। तो मैं पहुँच चुकी हूँ मायके में। मायके में मैं क्यों आई हूँ, अभी सबको पता ही है रक्षाबंधन आ रहा है, तो मैं 5-6 दिन पहले ही आ गई हूँ। हमारे यहाँ का रिवाज है कि रक्षाबंधन के बाद अगर रुक गए तो फिर 1 मंथ 1 महीने रुकना पड़ता है, इसलिए रक्षाबंधन वाले दिन ही मैं चली जाऊँगी राखी बांध के। तो इसलिए मैं पहले आ गई 5-6 दिन पहले। भाई गया था मुझे लेने, आप लोगों को ब्लॉग में देखने को मिलेगा, और आप पति दिल से आएंगे लेने रक्षाबंधन वाले दिन। तो जो भी कुछ होगा आप लोगों को मायके का ब्लॉग देखने को मिलेगा। अभी इस वीडियो में जो भी है आपको देखने को मिलेगा। प्लीज़ वीडियो का ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि कोई भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को पहले ही पता चल सके और आप चेकआउट कर सकें। जो भी है ब्लॉग में बने रहिए, कंटिन्यू रहिए, पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, स्किप मत कीजिए। जो भी कुछ होगा आप लोगों को इस ब्लॉग के थ्रू देखने को मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी न्यू ब्लॉग जल्द ही आएगा। कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, जो भी मायके का एक्टिविटी है, मतलब जहाँ कहीं भी जाऊँगी सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिए, कंटिन्यू रहिए, ढेर सारा प्यार दीजिए ऐसी, ताकि मैं नए नए कंटेंट लेके आती रहूँ। तो चलते हैं, ओके, बाय बाय।